जय सियाराम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है 19 अगस्त 2024 को, यानी कि सोमवार का दिन भी है और सावन पूर्णिमा से 20 दिन है। सावन पूर्णिमा का जो वीडियो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि रक्षाबंधन त्यौहार पर जो भद्रा काल लग रहा है उसका क्या मतलब अशुभ महत्व होता है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि भद्रा काल में भाइयों को राखी नहीं बांधते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भद्रा काल का जो है भगवान शिव से क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट उसके पहले हम ये जानेंगे कि आपको शुभ समय कौन सा होने वाला है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए और भद्रा काल कब से कब तक रहने वाला है, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। साथ ही बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं और भाई बदले में प्यारी बहनों को रक्षा का वचन भी देते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो 19 अगस्त की सुबह 3:04 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो 19 अगस्त की रात 11:55 तक रहने वाला है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो 19 अगस्त की रात 2:21 पर ही भद्रा लग जाएगी और सुबह 9:51 से लेकर के 10:53 तक भद्रा पुंज भी रहेगा। तो सुबह 10:53 से लेकर के दोपहर के 12:37 तक जो है भद्रा का मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन जो है वो 1:30 पर होगा। तो आपको 1:30 के बाद आप राखी जो है बांध सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो है भद्रा को बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है और इस काल में कोई भी शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है। 19 अगस्त को दोपहर को 1:30 के बाद ही आपको राखी बांधनी चाहिए अपने भाइयों की कलाई पर। आइए अब ये जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 19 अगस्त को राखी बांधने का जो सबसे खास मुहूर्त है वो दोपहर को 1:43 से लेकर के शाम को 4:20 तक रहेगा। उसमें जो है आप राखी बनवा सकते हैं। राखी बांधने के लिए कुल आपको 2:37 का ही समय मिलेगा, जो कि बहुत ही शुभ समय माना जा रहा है। इसके अलावा आप शाम के समय पर दोष काल में भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इस दिन शाम 6:56 से लेकर के रात को 9:07 तक प्रदोष काल रहने वाला है, तो आप जो है इसमें राखी बांध सकते हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले आपको भगवान को राखी जरूर से बांध लेनी चाहिए। पुराणों के मुताबिक भद्रा को शनि देव की बहन और सूर्य देव की पुत्री बताया गया है। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनि की तरह ही कठोर हैं। ब्रह्मा जी ने इनको काल गणना यानी कि पंचांग में विशेष स्थान भी दिया है। हिंदू पंचांग को 5 प्रमुख अंगों में बांटा गया है, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इसमें 11 करण होते हैं, जिनमें से 7वें करण विष्टि का नाम भद्रा बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन मुहूर्त में भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि भद्रा का समय राखी बांधने के लिए अशुभ होता है। इसके पीछे की वजह भगवान शिव और रावण से जुड़ी हुई कथा भी है। तो आइए अब हम जानेंगे इसके बारे में कि आखिर भद्रा कौन थी और भगवान शिव से इनका क्या संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व भगवान शनि की बहन है। मान्यता के अनुसार दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैरयुक्त से उत्पन्न हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का स्वभाव भी शनि की जैसे ही है। दैनिक पंचांग में भद्रा का विशेष स्थान भी रखा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान भी दिया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इसका विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्य देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। तब विष्टि से कहा कि हे भद्रे, बव, बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक करे तो तुम उन्हीं में बाधा डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका तुम कार्य बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। मुहूर्त चिंतामणि शास्त्र के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा
गरना का वास तय किया जाता है। गरना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को वो क्षति पहुंचाती है। वहीं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती हैं एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती हैं। जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। भद्रा जिस लोक में रहती हैं वहीं अपना प्रभाव दिखाती हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो शूर्पणखा थी उन्होंने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था। रावण का अंत हुआ, इस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव भी करते हैं और वो काफी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करें तो उसे शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ता है, अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में कभी भी अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी नहीं बांधना चाहिए। बहनों को राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों उपवास रखें। इस दिन पहले एक थाल ले लें, थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रख लें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवाकर बैठाएं। उसके बाद पहले भाई को तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें, फिर भाई की आरती करें, मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें। इस तरीके से आपको अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांध देनी चाहिए। और भद्रा काल का मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो उस समय को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि उस समय पे आपको अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सियाराम।